नमस्कार, वी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वल्ली। आज हम बाराटन आए हैं। आप सभी को पता है डिगलीपुर में कई दिन से जो है एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से एक मजदूरों का धरना चल रहा है लगातार। वैसा ही बाराटन क्षेत्र में भी जो है एक मजदूरों के DFO ऑफिस के सामने जो है धरना चल रहा है सेम टॉपिक को लेकर। जैसे कि उन्होंने कहा था कि सब लेबर्स को 1/3 हो रहा है लेकिन हमारा नहीं हो रहा है। तो यहाँ के जो मजदूर हैं उनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं उनका मांग क्या है और क्या वो सेम टॉपिक पे ही जो है धरना कर रहे हैं। आइए जानते हैं और उनसे बात करते हैं। साजन टपना जी बताइए किस वजह को लेकर बोलने से। हम लोग मैं 2015 से काम करते हैं, अभी 2023 हो गया है। तो उसका अन्वय क्या बोलने से अभी हम लोग तो कुछ लेते नहीं है, 6-6 महीना लेते हैं जी। 6 महीना निकलते हैं, 6 महीना काम लेते हैं 6 महीना काम लेते हैं, 6 महीना लेते हैं जी। तो उसके बाद हम लोग को निकाल देते हैं और 6 महीने के बाद लेते हैं हम लोग। तो उसके बाद हम लोग को तो बोलने से हम लोग को जो हम लोग तो जो जो DRM लेने का है तो जो लेता है और जो कंटिन्यू लेने हैं हम लोग को कंटिन्यू लेने के लिए मांग कर रहे हैं। हाँ, मांग कर रहे हैं हम लोग। अभी के बैठा दिए आप लोगों को? जी जी बैठा दिया। कितने लोग हैं अभी बाराटन से? कितने लोग हैं? बहुत जन है मैडम, 93 मैडम है जी जी। 93 का बात नहीं है, 93 जो बात है, 93 जो अभी जो सडन कर रहे थे, जो प्रेजेंट काम कर रहे थे उन लोगों को अभी। कितने सालों से कर रहे होंगे सर आप लोग काम? अभी हम लोग का हो गया मैडम 8-9 साल हो गया है जी। 9 साल हो गया। तो 9 साल रेगुलर आप लोगों को काम दे रहे थे? जी नहीं मैडम, हम लोग बैठाते हैं लेकिन फिर हम ही लोग को काम में बुला लेते हैं। नाम चेंजेस होते हैं, हम लोग रोटेशन होते हैं, रोटेशन होते हैं, ये सब रोटेशन होते हैं। आदमी वही आदमी काम करते हैं, हम लोग के बीच में रोटेशन हो जाते हैं नाम। इसका वजह से जब अभी कोर्ट ने ऑर्डर करा कि जो मजदूर कर रहे हैं काम उन मजदूरों को नहीं बैठाना चाहिए जी। तो उन्हीं उसी वजह से, उस कोर्ट का ऑर्डर का वजह से हम लोग अभी ये धरना दे रहे हैं कि हम लोग को क्यों बैठाया गया, जबकि सभी जगह ये ऑर्डर को माना गया है। कोर्ट का क्षेत्र में अभी तक माना नहीं है सर, हर जगह जो धरना चल रहा है अभी जी। इसीलिए हम लोग बाराटन एरिया के लिए अभी हम लोग धरना कर रहे हैं जी। क्या लग रहा है कितना देर तक चलेगा और आपका ये जो धरना है कितना दूर जाएगा? जब तक डिसीजन नहीं आएगा तब तक हम लोग ये धरना देते रहेंगे जी। कब से स्टार्ट करें हम लोग? अभी 2 दिन हो गया मैडम, कल और दूसरा दिन है। तो लगता है इससे कुछ लाभ होगा आप लोगों को? मैडम देखते हैं, अभी हम लोग तो धरना करते हैं, अभी देखते जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो कुछ ना कुछ हमारे लिए हो गई। यहाँ सामने से कुछ आया है आपको DFO सर ने कुछ बात? अभी तक तो कोई आके कुछ बोले नहीं है, हम लोग बस शांतिपूर्ण कर रहे हैं। हम लोग एकदम शांतिपूर्वक अपना तरीका से हम लोग धरना कर रहे हैं, कोई इंडिस्ट्रिप्यूशन नहीं कर रहे हैं, किसी को परेशानी नहीं हो रहा है इसीलिए। थोड़ा बोलिए, एक्टिवली बोलिए, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। चलिए इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? अनुपमा नायर। तो बताइए क्या लेकर धरना कर रहे हैं, क्या विषय है? मैडम अभी ऑर्डर निकला है कि कोर्ट से कि हम लोग को ऑर्डर हो गया कि जो सितंबर तक करते हैं उन्हीं को एक्सटेंशन देना जी। तो अभी ऑर्डर में दिया है तो सर उसको नहीं मान रहा है, तो ये हम लोग को सेक्रेटरीट से भी यही ऑर्डर आया है कि हम लोग को ही लेना, सर हम लोग को नहीं लेते बोलने से सितंबर के बाद सभी को बैठा दिया। बस हम लोग को यही है कि सर हम लोग को दोबारा काम में लेना, उसी के लिए धरना करते हैं। तो कितना दूर जाएगा, लग रहा है कुछ काम होगा इससे? होना तो चाहिए, कोर्ट का ऑर्डर तो मानना चाहिए सर को। आप लोगों को नहीं, हम लोग हाँ तो वो है हम लोग को जी कि लेंगे, क्योंकि हमने जितना पता किया क्योंकि ऑलरेडी ये जो चल रहा है हर ऑफिस से यही आ रहा है कि हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन आया नहीं ऊपर से तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कहीं भी चले जाइए DFO कोई बात ही नहीं करता है। तो ऐसा कुछ तो यहाँ भी आया है, नहीं आया आपको कुछ इन्फॉर्म है?
आया तो है लगता शायद अभी तक तो कुछ बोला नहीं गया है, इसीलिए DFO हमारे पास नहीं आ रहे हैं, शायद इसी वजह से नहीं आ रहे होंगे। अगर वहाँ से अगर ऑर्डर आने से DFO तो आपका लड़ाई भी एडमिनिस्ट्रेशन से? जी एडमिनिस्ट्रेशन से है, जब एक कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं मान रहे तो हम लोग क्या करेंगे। अच्छा ये भी सूत्र से पता चल रहा है कि मतलब बिठाना नहीं था, कंटिन्यू लेके जाना था, लेकिन वो चीज़ नहीं होता है। आपको पता है कंफर्म कोर्ट का ऑर्डर आया है? ऐसा सुनाई में तो आया है कि कोर्ट का ऑर्डर आया है करके जी, मतलब बहुत जन से ऐसा पता चलता है करके, लेकिन अभी तक यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ऐसी बाहर से पता चला है कि दो तीन जगह में ले लिए करके, तो फिर मतलब यहाँ क्यों नहीं होता है वो चीज़? ये तो नहीं, क्योंकि अभी अभी जो है एक मजदूर का फॉर्म ही निकला है फॉरेस्ट की ओर से, जितना हमें पता है, कहीं इस वजह से तो बैठा नहीं दिए गए कि न्यू लेंगे और पुराने जो है उनको बैठाएंगे। पता नहीं अगर ऐसा कुछ है तो भी जो अभी लास्ट बैच हम लोग करे हैं उसको तो कंटिन्यू लेना है करके ऐसा ऑर्डर दिए हैं, तो उसको तो नहीं बिठाना है। अगर आप नया लेते हैं तो वो अपना आप ले सकते, लेकिन बस जो लास्ट बैच है उसको नहीं बिठाना है। तो क्या लग रहा है आप लोग धरना कितना देरी करने वाले हैं? धरना आज तो हम लोग सब DFO सर का वेट करते हैं कि कुछ वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आ जाना करके, तो आज वही वेट करते हैं। अभी तक तो आए नहीं, क्योंकि DFO सर कुछ नहीं, जितना हमें पता है DFO सर इसमें आएगा भी नहीं, कुछ बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन से ही आता है। नहीं मतलब अगर वो थोड़ा भी कुछ भी तरह का रिस्पांस दे दे कि टाइम लगेगा या फिर कुछ वर्क चलता है अभी तक, इतना भी बोलने से चलेगा, बट अभी तो आए नहीं। आप लोग जैसे कि हमें पता चला काफ़ी सारे जगह में जो धरना कर रहे हैं मजदूर लोग, सब मिले हुए या अलग अलग क्षेत्र में किसी से कॉन्टेक्ट है, अपना अपना क्षेत्र में बैठे हुए हैं? सब अपना अपना जगह में ही करते हैं, बस एक यूनियन का तरफ सब लोग एक एक ग्रुप में, मतलब यूनियन का है कि ऐसा अगर होता है नहीं होता आप लोगों का काम तो सब एक साथ मिल जाएंगे? हाँ अगर नहीं मिलता है तो फिर सब एक साथ ही आना पड़ेगा, सपोर्ट तो मिलेगा वही ग्रुप। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया और यहाँ के जो मजदूर है उनसे बात करें तो उनका यही कहना है कि जब तक हमारा मांग यानी कि उनको जो बैठा दिया गया है काम से, जब तक उनको ना लिया जाता है तब तक ये लोग जो है धरना पे बैठेंगे। और इन्होंने ये भी कहा है अगर अभी हम अलग अलग क्षेत्र में बैठे, अगर ये चीज़ हमारा पूरा नहीं किया जाता, हमें काम में नहीं लिया जाता है, आशंका है कि पूरा जो हमारा अंडमान के मजदूर है सब एक साथ होंगे, एक साथ होने के बाद एक बड़ा धरना भी हो सकता है। तो आइए हमारे साथ देखते रहे और हर एक अपडेट के लिए वी न्यूज़ के साथ बने रहे। धन्यवाद। निष्पक्ष स्वतंत्र और सच्चाई के साथ काम करते हुए देखेंगे, बस आपका प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिएगा। सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके साथ।